डियर स्टूडेंट, आज हम कक्षा नवम का पार्ट टू का डबल एंट्री सिस्टम का डेबिट और क्रेडिट का मतलब समझेंगे। तो क्या होता है डेबिट और क्या होता है क्रेडिट। डेबिट का मतलब हम पहले जानते हैं, डेबिट होता क्या है। तो डेबिट डेबिटम शब्द से बना है, जो लेट हमारा लैटिन भाषा का डेबिटम शब्द है उससे हमारा डेबिट, उस शब्द से डेबिट लिया गया। डेबिटम का मेन जो मीनिंग है वो है उनसे दे से लिया जाता है, उनसे दे। जो डेबिटम हमारा लैटिन भाषा का डेबिटम शब्द है उसका मेन जो मीनिंग लिया गया है उनसे दे कहा जाता है। दूसरा हमारा जो डेबिटम शब्द है पशुपालन की प्रणाली को व्यवस्थित, व्यावसायिक सौदे को व्यवस्थित रूप में दो फॉर्मेट में लिखा जाता है। एक फॉर्मेट हमारा डेबिट होता है, दूसरा फॉर्मेट क्रेडिट। मतलब हमारी कोई भी व्यावसायिक सौदा है उसमें कुछ को हम डेबिट करते हैं, कुछ को क्रेडिट करते हैं। इस कंपनी डेबिट क्रेडिट को डबल एंट्री सिस्टम के अंतर्गत। तो डेबिट का मतलब हमने ये लिया है कि डेबिट यानी हमारा जो ऋणी है, ऋणी से हम मतलब रखते हैं। डेबिट हमारा डेबिट अपने भाषा के डेबिट लिया गया, जिसका मतलब सीधी। इसी हम धनी की बात करते हैं, धनी यानी क्रेडिट। क्रेडिट शब्द हमारा क्रेडर से किया गया है, और क्रेडिट का शाब्दिक अर्थ क्रेडिट शब्द जो है वो लैटिन भाषा के क्रेडर से किया गया है। इसका शाब्दिक अर्थ होता है उनको दे। अब डेबिट शब्द जो डेबिटम शब्द है इसे हम दूसरे फॉर्मेट में